नमस्कार, भविष्यवाणी में आपका स्वागत है। रोज की तरह एक बार फिर मैं हाजिर हूँ आपका भविष्य, आपके राशि का भविष्य बताने के लिए। आज पौष मास के कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि और शनिवार का दिन है। दशमी तिथि आज रात 12:42 तक रहेगी। आज पूरा दिन पूरी रात पार करके कल सुबह 6:09 तक धृत योग रहेगा। साथ ही आज रात 9:23 तक स्वाति नक्षत्र रहेगा। आज पृथ्वी लोक की भद्रा यानी अशुभ भद्रा रहेगी। इसके अलावा आज भगवान श्री पार्श्वनाथ जी की जयंती है। आज हम बात करेंगे उन लोगों की जिनका जन्म सुबह 9 से 11 के बीच हुआ है। आगे हम इसी विषय पर विस्तृत चर्चा करेंगे। आज हम सबसे पहले बात करेंगे मुकदमा दायर करने या अपनी बात रखने के योग की, यानी कि यही जैद योग की। तो बता दूं कि आज ये योग नहीं बन रहा है। अब ये योग कल यानी कि 7 की रात 10:08 से रात 12:47 तक रहेगा। और इसके बाद बात करते हैं सर्वार सिद्ध योग यानी कि सारे काम बनाने वाले योग की। तो बता दूं कि आज ये योग सुबह 6:48 से शुरू हुआ था और कल सुबह 5:23 तक रहेगा। इस क्रम में आइए अब चर्चा करते हैं आज के शुभ मुहूर्त यानी कि फेवरेबल टाइम की। अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो उसके लिए आज अच्छा मुहूर्त शुरू हो चुका है। ये मुहूर्त सुबह 7:15 पर शुरू हुआ था और दोपहर पहले 11:04 तक रहेगा। नया बिजनेस शुरू करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त कल यानी कि 7 की सुबह 7:15 से दोपहर पहले 11 तक रहेगा। कंस्ट्रक्शन शुरू कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त कल यानी कि 7 की सुबह 7:15 से दोपहर पहले 11 तक और एक बार फिर दोपहर 12:25 से शाम 4:02 तक रहेगा। किसी इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशन में लेन देन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त सुबह 7:45 से दोपहर पहले 11:34 तक रहेगा। सीजेरियन ऑपरेशन कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त शुरू हो चुका है। ये मुहूर्त सुबह 7:15 पर शुरू हुआ था और दोपहर पहले 11:04 तक रहेगा। जॉब ज्वाइन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब ये मुहूर्त 12 की दोपहर बाद 3:17 से दोपहर 3:36 तक और एक बार फिर शाम 5:50 से देर रात 12:44 तक रहेगा। मेडिकल ट्रीटमेंट शुरू कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त शुरू हो चुका है। ये मुहूर्त सुबह 7:15 पर शुरू हुआ था और दोपहर पहले 11:04 तक रहेगा। और अब बात आती है अशुभ समय की। आकाश में कभी कभी ग्रहों की मिलीजुली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कुछ क्षणों के लिए नेगेटिव हो जाती है। इस अशुभ क्रांति साम्य से एक नेगेटिव स्पार्क पैदा होता है। इससे चारों तरफ नेगेटिविटी फैल जाती है। इस समय में कोई भी शुभ कार्य करने से सफलता नहीं मिलती। आज कोई अशुभ समय नहीं रहेगा। अब यह अशुभ समय कल यानी कि 7 की रात 9:13 पर होगा। वैसे तो इससे सभी राशियां प्रभावित होंगी, लेकिन वृष, मिथुन, वृश्चिक और धनु राशियां विशेष रूप से प्रभावित होंगी। ध्यान रहे, इस समय के 12 पहले और 12 बाद तक कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही एक बात और बता दूं कि काम शुरू करते वक्त राहुकाल का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। राहुकाल के दौरान कोई काम शुरू नहीं करना चाहिए। अगर कोई काम पहले से चल रहा है तो उसे जारी रख सकते हैं। आज दिल्ली में राहुकाल होगा सुबह 9:50 से दोपहर पहले 11:08 तक। मुंबई सुबह 9:58 से दोपहर पहले 11:21 तक। चंडीगढ़ सुबह 9:54 से दोपहर पहले 11:11 तक। लखनऊ सुबह 9:34 से सुबह 10:52 तक। भोपाल सुबह 9:44 से दोपहर पहले 11:04 तक। कोलकाता सुबह 8:59 से सुबह 10:20 तक। अहमदाबाद सुबह 10:03 से दोपहर पहले 11:23 तक। और चेन्नई में राहुकाल होगा आज सुबह 9:24 से सुबह 10:49 तक। ये था कुछ शहरों का राहुकाल। और अब आज की यात्रा की शुभ दिशा क्या है, तो आज वो शुभ दिशा है पश्चिम। और आइए अब शुरू करते हैं सिलसिला राशिफल का। सबसे पहले बात रोज की तरह आज भी मेष राशि की।
मेष राशि वालों, आज का दिन आपके लिए खास होने वाला है। आपके द्वारा की जाने वाली प्रार्थना का फल जल्दी ही प्राप्त होगा। आप अपने कर्म पर ध्यान देंगे और सकारात्मक रहेंगे। किसी समस्या का हल आपके काम से ही मिलेगा। आज दूसरों पर ज्यादा निर्भर करने से बचेंगे तो आप अपने काम में बढ़िया परफॉर्म करेंगे। आज आप अपनी पसंदीदा गतिविधियों को महत्व देंगे, इससे आपको मानसिक शांति मिलेगी। आज आपको घर की साफ सफाई में माता जी की मदद करनी पड़ेगी। आज अनुभव की कमी के कारण कोई काम रुक सकता है, कुछ करीबी लोग आपकी मदद के लिए आगे आएंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्राउन और लकी नंबर है 7। वृष राशि वालों, आज का दिन आपके लिए खुशियों से भरा रहने वाला है। आज जीवन बहुत सहज और आसान लगेगा। दूसरों के आगे जाने की इच्छा आपके आत्मविश्वास और कार्य कुशलता में वृद्धि करेगी। बच्चों के किसी काम से मन प्रसन्न होगा। शांति से समस्या का समाधान निकालने का प्रयास करेंगे तो सब सही रहेगा। आज आपकी आस्था और विश्वास बरकरार रहेंगे। आप जिस किसी भी कार्य को करेंगे वो पूरा अवश्य होगा। आप कुछ बातों को गोपनीय रखें, नहीं तो वो परिवार के सदस्यों के सामने आ सकती है। जिद में आकर आप कोई काम ना करें। आज आपको कुछ नए जनसंपर्कों से लाभ मिलेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है रेड और लकी नंबर है 2। मिथुन राशि वालों, आज का दिन आपके लिए अनुकूल रहने वाला है। नया बिजनेस शुरू करना या बढ़ाना चाह रहे हैं तो आज उससे संबंधित शुरुआत करना बहुत ही अनुकूल रहेगा। प्रॉपर्टी के बिजनेस के लिए भी लाभदायक स्थिति बनी हुई है। आज आपको ऑफिशियल कार्यों में सहायता मिलेगी, सफलता मिलेगी। भविष्य के लिए नई योजनाएं बनाएंगे, ईश्वर में आपका विश्वास बढ़ेगा। दूसरे क्या कह रहे हैं इस पर ध्यान दिए बिना अपने परिवार के साथ समय बिताएंगे। पारिवारिक माहौल सही रहेगा। सफलता के लिए कड़ी मेहनत की आवश्यकता है। ऑफिस में अपने सहकर्मियों के लिए आप सहायक रहेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है व्हाइट और लकी नंबर है 9। कर्क राशि वालों, आज का दिन आपके लिए उत्तम रहने वाला है। आज परिस्थितियों को देखने का नजरिया बदलने की जरूरत है। समस्याओं को सकारात्मकता के साथ हल करेंगे तो बेहतर रहेगा। अपनी गलतियों को तुरंत सुधारिए। आपके अंदर आ रहे सकारात्मक बदलाव दूसरों को अच्छे लगेंगे। अधूरे काम पूरे करने के लिए दिन सही है। लेन देन के मामले में आप भाग्यशाली रहेंगे। आज आपको कोई बड़ी उपलब्धि मिलने से आपका मन प्रसन्न रहेगा। किसी तकनीकी समस्या के कारण आज ऑफिस का कोई काम कुछ देर के लिए रुक सकता है। आज के लिए आपका लकी कलर है सिल्वर और लकी नंबर है 3। सिंह राशि वालों, आज का दिन आपके लिए शानदार रहने वाला है। दाम्पत्य जीवन तथा घर की व्यवस्था में मधुरता तथा आपसी सामंजस्य बना रहेगा। युवा वर्ग व्यर्थ के कामों में पड़कर समय नष्ट न करें। कुछ समय अपने स्वास्थ्य और मनोबल को बेहतर बनाने में भी लगाएं। अपने ऊपर कार्यों का अत्यधिक उलझन लेने से बचें। आज कुछ ऐसे खर्चे भी होने वाले हैं जो न चाहते हुए भी आपको करने होंगे। साथ ही आज पैतृक संपत्ति से आपको लाभ और सुख मिलने वाला है। बच्चे घर पर खेलकूद में व्यस्त रहेंगे। आज आपका लकी कलर है मैजेंटा और लकी नंबर है 7। कन्या राशि वालों, आज का दिन आपके लिए बेहतर रहने वाला है। आज जीवन साथी व परिवारजनों का सहयोग आपके आत्मबल व आत्मविश्वास को बनाकर रखेगा। आज आप फालतू की बातों से मुक्त होकर अपने काम पर ध्यान दे पाएंगे। ब्लड प्रेशर या डायबिटीज जैसी समस्या को लापरवाही में न ले। कुछ समय मेडिटेशन और आराम के लिए अवश्य निकालें। आज आपको अपनों की सलाह बहुत काम आएगी। आप सूझबूझ से काम लेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। किसी के प्रलोभन में ना आए, नहीं तो वो आपका फायदा भी उठा सकता है। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लू और लकी नंबर है 5। तुला राशि वालों, आज का दिन फेवरेबल रहने वाला है। आज आपकी कोई आर्थिक समस्या हल होगी। पुराना अटका हुआ पैसा मिलने की संभावना है। आत्मचिंतन करने से आपके दृष्टिकोण में भी आश्चर्यजनक सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिलेगा। एक से अधिक स्रोतों से आय होगी। आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत बनेगी। यदि आपका कोई भूमि व वाहन से संबंधित मामला कोर्ट में चल रहा था तो वो आज दूर हो जाएगा। व्यवसाय की कुछ योजनाओं को आप फिर से शुरू कर सकते हैं जो आपके लिए अच्छा लाभ लेकर आएंगे।
आज के लिए आपका लकी कलर है पिंक और लकी नंबर है 4। वृश्चिक राशि वालों, आज का दिन आपके लिए सुनहरा रहने वाला है। आज धार्मिक और आध्यात्मिक उन्नति की तरफ भी आपका ध्यान केंद्रित होगा। अपने लक्ष्य के प्रति पूर्ण रूप से एकाग्रचित रहें, आपको सफलता प्राप्त होगी। युवाओं को किसी अनुभवी तथा प्रतिष्ठित व्यक्ति का आशीर्वाद या और मार्गदर्शन प्राप्त होगा। बुद्धि विवेक से यदि कोई निर्णय लेंगे तो उसमें आपको लाभ अवश्य मिलेगा। समाज में आप अपनी एक अलग पहचान बनाएंगे। आपका बढ़ता खर्च आज आपको उलझन में डाल सकता है। लव मेट के लिए आज का दिन अच्छा रहने वाला है। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रे और लकी नंबर है 8। धनु राशि वालों, आज का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा। विद्यार्थी तथा युवा अपनी सफलता को लेकर मन में किसी भी तरह का संशय न रखें और किसी भी तरह की समस्या आने पर शांत रहें। नया निवेश करने से पहले अच्छी तरह जांच पड़ताल कर लें। घर के बड़े बुजुर्गों व वरिष्ठ सदस्यों के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान रखना अति आवश्यक है। आज आप वरिष्ठ सदस्यों के आदर और सम्मान करेंगे, जिससे वो भी प्रसन्न रहेंगे। कार्यक्षेत्र में कोई आपके कार्यों में रुकावट डालने की कोशिश कर सकता है। प्राइवेट ऑफिस में कार्यरत लोगों को किसी दूसरी नौकरी का ऑफर आ सकता है। आज के लिए आपका लकी कलर है गोल्डन और लकी नंबर है 9। मकर राशि वालों, आज का दिन आपके लिए ठीक ठाक रहने वाला है। आज दूसरों से ज्यादा उम्मीदें करने के बजाय अपनी कार्यक्षमता व योग्यता पर ही विश्वास रखें। युवा वर्ग भावनाओं में आकर कोई फैसला लेने से बचें। बेहतर होगा परिवार वालों की सलाह पर ही लें। आज आप जीवन से जुड़ी हर गतिविधि को व्यावहारिक तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। परिवार के सदस्यों के साथ आप सुखद पलों को साझा करेंगे। आप अपनी कला का प्रदर्शन करके लोगों को हैरान करेंगे। निजी जीवन में चल रही समस्याओं से आज आपको छुटकारा मिलेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लैक और लकी नंबर है 4। कुंभ राशि वालों, आज का दिन आपके लिए नई उमंग से भरा रहने वाला है। नौकरी और बिजनेस के सिलसिले में किसी यात्रा का प्रोग्राम बन सकता है। आज आप उस कार्य को लेकर कामयाब होंगे जिसके लिए लंबे समय से प्रयासरत थे। नौकरी पेशा लोग कार्यभार कम होने से राहत की सांस लेंगे। विद्यार्थियों को इधर उधर के कामों को छोड़कर अपनी पढ़ाई लिखाई पर पूरा फोकस करना होगा, तभी सफलता हासिल कर सकेंगे। लव मेट्स के लिए आज का दिन अच्छा रहने वाला है। राजनीति से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन बेहतर होगा। आज के लिए आपका लकी कलर है येलो और लकी नंबर है 2। मीन राशि वालों, आज का दिन आपके लिए मिला जुला रहेगा। आज किसी करीबी की सलाह आपके लिए फायदेमंद होगी। ये समय आपके लिए आगे बढ़ने का है। सही योगदान देंगे, सही काम करेंगे तो आपको आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। आज सामाजिक कार्यों में आपकी रुचि बनी रहेगी। आज कुछ लोग ईर्ष्या के कारण आपकी आलोचना करेंगे और आपका ध्यान आपके लक्ष्य से भटक सकता है। व्यवसाय की योजना शुरू करने का सही समय है। आपको अपने किसी मित्र से लंबे समय बाद मिलने का मौका मिलेगा। अगर आपने किसी को धन उधार दिया था तो वो भी आपको वापस मिलने का योग है। आज के लिए आपका लकी कलर है ऑरेंज और लकी नंबर है 8। और अब बात उनकी जिनका जन्मदिन है वो आज माता पिता को प्रणाम करें, और जिनकी आज मैरिज एनिवर्सरी है वो जीवन साथी को इत्र गिफ्ट करें तो साल भर सुख और सौभाग्य बढ़ता ही रहेगा। और आइए अब चलते हैं अंकों की रहस्यमय दुनिया में। मूलांक 1 वालों, आज आप माता का कोई काम पूरा करेंगे, आपको अच्छा महसूस होगा। मूलांक 2, आप जिस काम के परिणाम का इंतजार काफी समय से कर रहे थे उसका आज रिजल्ट मिलने से खुशी होगी। मूलांक 3, आप किसी की सहायता करेंगे और उसको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेंगे। मूलांक 4, आज आप किसी से मिलने के लिए बेसब्री से इंतजार करेंगे, आपका मन उमंग से भरा रहेगा। मूलांक 5, जो लोग आपको किसी काम के लायक नहीं समझते हैं आज उनको कुछ कर दिखाने का समय आ गया है। मूलांक 6, आज कोई किसी समस्या का निदान होने से आपको सुकून मिलेगा, आप दूसरे काम की योजना बनाएंगे। मूलांक 7, आज आप शाम का समय अपने परिवार के साथ बिताएंगे, आपको मानसिक शांति मिलेगी। मूलांक 8, आज आपके अंदर कॉन्फिडेंस बना रहने से आप काम को समय रहते ही पूरा कर लेंगे। मूलांक 9, आज काफी दिनों बाद किसी दोस्त से मिलते ही आपकी चल रही नाराजगी भी दूर हो जाएगी। और अब चर्चा वास्तुशास्त्र की।
वास्तुशास्त्र में आज हम टीवी देखते और खाना खाते समय मुख की दिशा किस ओर होनी चाहिए, इस बारे में बात करेंगे। हर दिशा का संबंध किसी न किसी खास ऊर्जा से माना जाता है। वास्तुशास्त्र में हर काम के लिए एक निश्चित दिशा तय की गई है और इनका पालन अवश्य करना चाहिए। सबसे पहले हम आपको टीवी देखते समय घर के सदस्यों की दिशा के बारे में चर्चा करेंगे। घर में टीवी इस तरह होना चाहिए कि टीवी देखते समय घर के सदस्यों का चेहरा दक्षिण दिशा की ओर होना चाहिए। इसके अलावा खाना खाते समय घर के सदस्यों का मुख पूर्व या उत्तर पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए। इस दिशा में खाना खाने से भोजन की उचित ऊर्जा उस व्यक्ति को मिलती है। खाना खाने के अलावा बनाते समय भी मुंह पूर्व या उत्तर पूर्व दिशा में ही रखना चाहिए। वास्तुशास्त्र में ये थी चर्चा, टीवी देखने और खाना खाते समय मुख की दिशा किस ओर होनी चाहिए, इस बारे में। उम्मीद है कि आप भी इस वास्तु टिप को अपनाकर फायदा जरूर उठाएंगे। और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज पौष कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि और शनिवार का दिन है। दशमी तिथि आज रात 12:42 तक रहेगी। आज पूरा दिन पूरी रात पार करके कल सुबह 6:09 तक धृत योग रहेगा। इस योग के दौरान रखा गया नींव का पत्थर आजीवन सुख सुविधाएं देता है, अर्थात यदि रहने के लिए किसी घर का शिलान्यास आदि इस योग में किया जाए तो इंसान उस घर में रहकर सारी सुख सुविधाएं प्राप्त कर सकता है और आनंदमय जीवन व्यतीत करता है। साथ ही आज रात 9:23 तक स्वाति नक्षत्र रहेगा। आकाशमंडल में कुल 27 नक्षत्र स्थित हैं, इनमें से स्वाति 15वां नक्षत्र है। स्वाति का अर्थ है स्वतः आचरण करने वाला यानी स्वतंत्र। अतः इस नक्षत्र में जन्मे जातक भी बहुत स्वतंत्र विचारों वाले होते हैं और खुलकर अपना जीवन व्यतीत करते हैं। इस नक्षत्र के स्वामी राहु हैं और इसकी राशि तुला है। इसका प्रतीक चिन्ह अंकुर या पेड़ों पर आई नई कोपलों को माना जाता है, जबकि इसका संबंध अर्जुन के पेड़ से बताया गया है। लिहाजा जिन लोगों का जन्म स्वाति नक्षत्र में हुआ हो उन लोगों को स्वाति नक्षत्र के दौरान अर्जुन के पेड़ को नमस्कार करना चाहिए। ऐसा करने से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। तो ये थी चर्चा आज पढ़ने वाले धृत योग और स्वाति नक्षत्र की। और अब बात करते हैं भद्रा और पार्श्वनाथ जयंती के बारे में। आज दोपहर 12:14 से शुरू होकर रात 12:42 तक पृथ्वी लोक की भद्रा यानी अशुभ भद्रा रहेगी। वैसे तो पृथ्वी लोक की भद्रा में कोई भी शुभ कार्य करना वर्जित माना जाता है, लेकिन कुछ ऐसे महत्वपूर्ण कार्य भी हैं जिन्हें आज के दिन करने से वो सिद्ध हो जाएंगे। जैसे किसी भी तरह के वाद विवाद के लिए, किसी पर मुकदमा कायम करने के लिए, शत्रु पक्ष से मुकाबला करने के लिए, शस्त्र आदि के प्रयोग के लिए, सर्जिकल स्ट्राइक के लिए, छापा मारने के लिए, राजनीतिक कार्यों में तरक्की के लिए, अग्नि से संबंधित कार्य के लिए, हवन आदि के लिए, पशु संबंधी कार्यों के लिए, दाम्पत्य संबंधों की ऊष्मा को बनाए रखने के लिए और तंत्र मंत्र के प्रयोग के लिए पृथ्वी लोक की भद्रा यानी अशुभ भद्रा बड़ी ही प्रशस्त मानी जाती है। इसके अलावा आज जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर स्वामी भगवान श्री पार्श्वनाथ जी की जयंती। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर भगवान श्री पार्श्वनाथ जी की जयंती है। माना जाता है कि इनकी माता वामा देवी ने गर्भकाल के दौरान स्वप्न में सर्प देखा था और जन्म के पश्चात इनके शरीर पर सर्प चिन्ह होने की वजह से इनका नाम पार्श्व रखा गया। पार्श्वनाथ जी ने 30 की आयु में ही ग्रह त्याग करके सन्यासी हो गए और जैनेश्वरी दीक्षा ली। कहा जाता है कि वाराणसी के सम्मेद पर्वत पर लगभग 83 तक कठोर तपस्या करने के बाद उन्हें कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति हुई। कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति के पश्चात 70 तक श्री पार्श्वनाथ जी ने लोगों को चातुर्याम यानी सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह की शिक्षा दी और अपने मत एवं विचारों का प्रचार प्रसार किया। तो ये थी चर्चा आज पढ़ने वाले अशुभ भद्रा और श्री पार्श्वनाथ जयंती की। और अब बात करेंगे उन लोगों की जिनका जन्म सुबह 9 से 11 के बीच हुआ है। आपके लिए वर्ष 2024 कैसा है, इसका विश्लेषण हम आपको आपके जन्म समय के हिसाब से दे रहे हैं। हमने इस विवरण में आपके व्यक्तित्व के पॉजिटिव और निगेटिव दोनों ही तत्वों को लिया है। आपको आपके विरुद्ध तत्वों से अवगत करते हुए उनसे बचने के सीधे उपाय भी हम आपको बताएंगे।
अगर आपका जन्म सुबह 9 बजे से 11 बजे के बीच हुआ है तो इस साल बार बार आपका मन उचटेगा। इसका असर आपकी प्रोफेशनल लाइफ पर भी पड़ेगा। हौसला बनाए रखिए और सिद्धांतों से समझौता नहीं कीजिएगा तो जीत आपकी ही होगी। अगर आपका या आपके बच्चे का जन्म सुबह 9 से 11 बजे के बीच हुआ है तो दोपहर बाद 3 से 5 बजे का समय आपके लिए सबसे ताकतवर होगा और रात 9 से 11 के बीच का समय बेहद उलझन भरा। मई और अगस्त के महीने साल के सबसे शानदार महीने होते हैं और नवंबर का महीना सबसे गड़बड़। सुबह 9 से 11 के बीच जन्म लेने वाले व्यक्ति निहायत शांत, समझदार, बुद्धिमान और ईर्ष्यालु होते हैं। ये बच्चे अस्थिर दिमाग के होते हैं लेकिन स्वभावतः बड़ा ही गहन चिंतन करते हैं। कोई भी फैसला करने में इनको बहुत समय लग जाता है। ये बच्चे अपने सामान के लिए बड़े पॉजिटिव होते हैं। इस समयावधि के बीच पैदा हुए बच्चों की स्किन यानी खाल बड़ी शानदार होती है। इनका व्यक्तित्व अत्यंत आकर्षक होता है और ये चुनौतियों का सामना करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। इनके प्रशंसकों की कमी नहीं होती। अपनी सराउंडिंग में बहुत से बच्चे इनसे दोस्ती करना चाहते हैं लेकिन इनका अंतर्मुखी स्वभाव, एकांत सेवन की इच्छा दूसरों से रिश्ते बरकरार रखने में दिक्कत पैदा करती है। लेकिन इनका आत्मविश्वास, इनके सोचने की क्षमता और दूसरों के प्रति अपना कंसर्न जताने का जेस्चर इन्हें लोकप्रियता प्रदान करता है। इन्हें सफलता मिलती है और इन्हें ख्याति बड़ी सरलता से मिल जाती है। ये अपने विरोधी को आसानी से क्षमा नहीं करते और विरोध का सशक्त प्रतिकार करते हैं लेकिन अगर इन्हें जरा भी असफलता मिलती है तो इन्हें उससे उबरने में बहुत समय लग जाता है। कभी कभी ऐसा लगता है कि ये बच्चा निहायत आलसी और स्वार्थी है लेकिन ऐसा बहुत थोड़े समय के लिए होता है। ये मनी माइंडेड लोगों को ज़्यादा पसंद नहीं करते। बेफिक्र, मस्त मौला, भविष्य की प्लानिंग न करने वाले बच्चों से इनको विशेष मदद मिलती है। यानी इन बच्चों को वो लोग पसंद नहीं होते जो असमय अपने पैसे का प्रदर्शन करते रहते हैं या खुद को दूसरों से ऊंचा साबित करने की कोशिश करते रहें। और ये एक चांस की बात ही है कि मस्त मौला लोग हमेशा ऐसे बच्चों के सपोर्ट में खड़े रहते हैं। जिन लोगों का जन्म दोपहर बाद 3 से 5 बजे के बीच हुआ है वो इनके लिए बेहद फेवरेबल होते हैं और जिन लोगों का जन्म रात 9 से 11 बजे के बीच हुआ हो वो व्यर्थ में इन्हें पीड़ित करते रहेंगे। ऐसे ही अगस्त के महीने में पैदा हुए लोगों से इस बच्चे को विशेष लाभ होता है। सुबह 9 से 11 बजे के बीच पैदा हुए बच्चे ईमानदार व्यक्तियों को पसंद नहीं करते, उदास रहते हैं, बहुत वेल ऑर्गेनाइज्ड, डिसिप्लिन, समय पर काम करने वाले, दूसरों की खुशी के लिए मनोविनोद का आयोजन करने वाले लोग इन्हें पसंद नहीं आते। इन बच्चों पर कोई कितना ही उपकार क्यों न करे लेकिन ये जरा भी विरोध बर्दाश्त नहीं करते और दंड देते समय अपराध की मात्रा का भी ख्याल नहीं करते। ये छोटे से अपराध के लिए भी उतना ही दंड देते हैं जितना बड़ा दंड जघन्य अपराध के लिए दिया जाना चाहिए। इनकी पसंद के लोगों के गुण इनके जैसे ही होते हैं। ये पढ़े लिखे, वाद विवाद में आगे बढ़कर हिस्सा लेने वाले और लोकप्रिय लोगों को पसंद करते हैं। इनकी पहली पसंद आलसी किस्म के लोग होते हैं। ईर्ष्यालु और परनिंदक यानी दूसरों की बुराई करने वाले व्यक्तियों की बातें ये बड़े ध्यान से सुनते हैं। घर की दक्षिण पूर्व दिशा की दक्षिणी साइड इन्हें बड़ी सूट करती है। इनके कमरे में इनकी स्टडी टेबल दक्षिण पूर्व की दक्षिणी साइड में लगानी चाहिए और दक्षिण पश्चिम दिशा की पश्चिमी साइड में धातु की अलमारी में इस बच्चे काम की चीजें और एक्सेसरीज रखी जानी चाहिए। इस बच्चे के कमरे की उत्तर पश्चिम दिशा में उत्तरी साइड में कोई महत्वपूर्ण चीज नहीं रखनी चाहिए। खासतौर से इस दिशा में श्री विष्णु के अवतारों का वो चित्र जिनमें वाराह अवतार भी अंकित हो इस बच्चे के कमरे में नहीं लगाया जाना चाहिए। इस बच्चे के कमरे में श्री हनुमान जी का चित्र लगाना चाहिए लेकिन ध्यान रहे श्री हनुमान का ये पंचमुखी या एकादशमुखी चित्र जिसमें श्री हनुमान के वाराह अवतार का जिक्र हो वो चित्र नहीं होना चाहिए। श्री हनुमान के केवल वानर रूप का ही चित्र लगाया जाना चाहिए। इस बच्चे के कमरे में वाराह या सुअर की आकृति वाली कोई चीज, यहाँ तक कि बच्चे को बचत की आदत डालने के लिए जो पिग्गी बैंक है वो भी नहीं होना चाहिए। इस बच्चे के बैग या किसी कपड़े पर शुकर का कोई कार्टून भी नहीं होना चाहिए। इस बच्चे का शुभ रंग हल्का हरा और ऑरेंज है और इस बच्चे का मित्र रंग
पीला है, जबकि स्टील ग्रे कलर्स इस बच्चे का परम शत्रु है। इस बच्चे के शरीर में तिल्ली का स्प्लीन SPLEEN स्प्लीन का विशेष ध्यान रखना चाहिए, जिसे इंग्लिश में स्प्लीन कहते हैं। सुबह 9 से 11 बजे के बीच जन्मे बच्चों का रक्त वातावरण के अनुसार अपने टेम्परेचर को ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं कर पाता। ऐसे बच्चों की माताओं को चाहिए कि इन बच्चों को बहुत ज़्यादा गर्मी या बहुत ज़्यादा ठंडक से बचाएं। बर्गमॉट, साइप्रस और तुलसी की गंध इन बच्चों के लिए बड़ी ही उपयुक्त रहती है। इसके अलावा इन बच्चों को तिल्ली को, जो कि शरीर में तापमान संबंधी या अन्य परिवर्तनों से सीधा संबंध रखती है, उसे स्वस्थ रखने के लिए अदरक या माइटेक नाम का मशरूम और ओमेगा 3 युक्त भोजन देना चाहिए। अगर मांसाहारी है तो सैल्मन, मैकरेल, हेलबुट और सर्डाइन मछलियों को भोजन में शामिल करना मदद करेगा। अगर शाकाहारी है तो अलसी का तेल इस्तेमाल करना या कद्दू के बीज का तेल का इस्तेमाल करना, अखरोट खाना अच्छा रहेगा। अलसी के बीज तो आप बच्चों को यूं ही जमाने को दे सकते हैं। इस बच्चे के नितंब और इसकी पेल्विक गर्डल का विशेष ध्यान रखना चाहिए। सुबह 9 से 11 बजे के बीच पैदा हुए बच्चों की पेल्विक गर्डल यानी कूल्हे की हड्डी का विशेष ख्याल रखा जाना चाहिए। कूल्हे की हड्डी की डिफॉर्मिटी की वजह से ये बच्चे पैरों को तिरछा रखकर चलने की प्रवृत्ति करते हैं, जिसको डिस्करेज करना चाहिए और उन्हें पैर सीधा रखने के लिए प्रेरित करना चाहिए। इस बच्चे को अपने से माता की उम्र की लड़कियों से या अगर ये बच्ची हैं तो अपने से पिता की उम्र के पुरुषों से हमेशा मदद मिलेगी। इस बच्चे की अपने पिता से ईगो क्लैश हमेशा बना रहेगा। इस समय अवधि में अगर कोई लड़की पैदा होती है तो उसका रूप और सौंदर्य बिल्कुल अपनी माता जैसा ही होता है। इस अवधि में पैदा बच्चे गर्मी की शुरुआत बहुत एंजॉय करते हैं और प्रारंभिक वर्षा ऋतु इनके उत्साह को बढ़ा देती है और जाड़े की ऋतु इन्हें बिल्कुल पसंद नहीं होती। वर्ष 1965, 1977, 1989, 2001, 2013 और आने वाले समय में 2025 में जन्मे व्यक्ति इनके लिए फेवरेबल होते हैं। इन वर्षों में जन्मे व्यक्ति स्वभाव में इनके खुद के जैसे होते हैं। वर्ष 1968, 1980, 1992, 2004, 2016 और 2028 में जन्मे लोग इनके अच्छे मित्र होते हैं, इनकी मदद के लिए हमेशा आगे रहते हैं, जबकि 1971, 1983, 1995, 2007, 2019 और 2023 में जन्म लेने वाले लोगों से इन्हें बचाया जाना चाहिए। अब प्रश्न ये है कि अगर किसी कारण से बच्चे को विपरीत परिस्थिति में रहना पड़े तो क्या करना चाहिए, वो हम आपको अभी बता देते हैं। मान लीजिए आपका बच्चा सुबह 9 से 11 के बीच पैदा हुआ है और उसकी क्लास टीचर का जन्म 1971, 83 या 95 में हुआ है। ये वो वर्ष हैं जो इन बच्चों को सूट नहीं करते, तो आप क्या करेंगे? तो छोटे छोटे उपायों से आप अपने बच्चे के विपरीत समय को मैनेज करने की कोशिश करें। जैसे बच्चे के स्कूल बैग पर उसके सहायक बंदर के मुंह का चित्र अंकित कर सकते हैं, या फिर बर्गमॉट, साइब्रस और या तुलसी की गंध वाला परफ्यूम लगाकर रुमाल आप बच्चे के कपड़े में रख सकते हैं। रुमाल का कलर ग्रीन या ऑरेंज होना चाहिए। जो हैंकरचीफ रखेंगे वो ग्रीन या ऑरेंज होना चाहिए। ऐसी गंध इस बच्चे को सर्वत्र सुरक्षा देगी। हर गंध का शरीर पर अलग अलग असर होता है। गंध बच्चे के अंदर कुछ रासायनिक प्रक्रियाओं को संपन्न करके विपरीत परिस्थितियों में भी उसे अपना अस्तित्व बनाए रखने में मदद करती है। पढ़ाई करते समय बच्चे का मुंह दक्षिण पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए। इस बच्चे के कमरे की दक्षिण पूर्व दिशा में तुलसी का पौधा लगाना बहुत अच्छा रहेगा। तुलसी का पौधा लगाने के लिए अगस्त के महीने में लगाइए। खाना खाते समय भी इस बच्चे को अपना मुंह दक्षिण पूर्व दिशा की ओर रखना चाहिए। रात को 9 से 11 के बीच इस बच्चे को कुछ भी खाना पीना, यहाँ तक कि औषधि भी लेना अगर हो सके तो अवॉइड करना चाहिए, जब तक बहुत ज़रूरी ना हो। एक बार फिर दोहरा दूँ कि अगर आप एक ऐसे बच्चे की माँ हैं जिसका जन्म सुबह 9 से 11 के बीच हुआ है, तो ये छोटी छोटी चीज़ें ध्यान में रखकर आप एक सच्चा और एक बेहतर इंसान गिफ्ट के तौर पर हमारे समाज को दे सकते हैं। ये थी चर्चा उनकी जिनका जन्म सुबह 9 से 11 बजे के बीच हुआ है। बता दूं कि कल सफला एकादशी का व्रत किया जाएगा, साथ ही कल बुध धनु राशि में प्रवेश करेंगे, तो
कल हम सफला एकादशी और बुध के धनुराशि में प्रवेश की चर्चा करेंगे, और परसों यानी 8 जनवरी को हम बात करेंगे उन लोगों की जिनका जन्म दोपहर पहले 11 से दोपहर 1 बजे के बीच हुआ। और अब मैं आपको बताऊंगा कि क्या कहता है आपके नाम का पहला अक्षर आपके आज के भविष्य के बारे में। तो जिनके नाम का पहला अक्षर है ए, आज आपके घर पर कोई मांगलिक कार्यक्रम हो सकता है जिससे घर में खुशी का माहौल रहेगा। बी, आज कार्यस्थल पर आपको सीनियर से मदद मिलती रहेगी, आप अधूरा प्रोजेक्ट पूरा करेंगे। सी, आज आप जो भी काम करेंगे उसको आप पूरी लगन और जिम्मेदारी के साथ करेंगे। डी, आज छात्रों का दिन बढ़िया रहेगा, जल्द ही किसी अच्छे फील्ड में आप सेटल हो जाएंगे। ई, आज आपको अपनी योग्यता दिखाने का अच्छा मौका मिलेगा, लोग आपकी बात पर भरोसा भी जताएंगे। एफ, अगर आप किसी नए बिजनेस को शुरू करने का विचार कर रहे हैं तो आज किसी जानकार की सलाह जरूर ले लें। जी, छात्रों को अपने विषय से हटके अन्य विषय पर जानकारियां मिलेंगी, इससे करियर में अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा। एच, आज आपके मन में कुछ नया करने की उत्सुकता रहेगी, आप आगे बढ़ने का पूरा प्रयास करेंगे। आई, आज राजनीति से जुड़े लोग अपने कार्यों को और बेहतर तरीके से करने का विचार करेंगे। जे, आज आप ऑफिस के जरूरी काम में बिजी रहेंगे, आप अपना प्रोजेक्ट पूरा कर लेंगे। के, आज सकारात्मक सोच के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने में सफलता मिलेगी। एल, कोई मित्र अपने घर के फंक्शन में आपको इनवाइट करेगा, फंक्शन में जाने के लिए आप खरीदारी भी करेंगे। एम, आज अपने स्वभाव को जितना कंट्रोल रखेंगे उतना ही आज का दिन आपके लिए बढ़िया रहेगा। एन, आज खेल से जुड़े लोगों के लिए दिन अच्छा गुजरेगा, अधिक से अधिक प्रैक्टिस करने में व्यस्त रहेंगे। ओ, आप अपने व्यवहार में निर्मलता लाने का प्रयास करेंगे, ये आपके भविष्य के लिए अच्छा साबित होगा। पी, आज दूसरों के सामने अपनी बात खुलकर रखेंगे जिससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। क्यू, पारिवारिक जिम्मेदारियां आज बढ़ सकती हैं, साथ ही आपकी इनकम में भी वृद्धि होगी। आर, आज अपने ईगो को छोड़कर सामने वाले की बात को सुनेंगे और उस पर अमल भी करेंगे। एस, माता पिता की एनिवर्सरी पर आप कुछ स्पेशल करने का प्लान बनाएंगे, इससे उन्हें बड़ी खुशी होगी। टी, आज आपको किसी उच्चाधिकारी से मिलना पड़ सकता है जहां आप अपनी समस्याओं की बात करेंगे। यू, आज आप दोस्तों की मदद करने के लिए तत्पर रहेंगे, इससे आपकी दोस्ती पहले से और गहरी होगी। वी, आज कई दिनों से किसी मनचाही चीज को लेने का सपना पूरा होगा, आपकी खुशी बढ़ेगी। डब्ल्यू, आपके अंदर की नकारात्मकता दूर होगी, आप आत्मनिर्भर होकर कोई भी फैसला कर सकते हैं। एक्स, ऑर्गेनिक फूड का जल्द ही नया बिजनेस शुरू किए जिन लोगों ने किया है उन लोगों को आज लाभ होगा। वाई, विदेश की यात्रा के इच्छुक लोगों की मुराद पूरी होगी, आपको अचानक धन लाभ होगा। जेड, आप किसी व्यवसाय को शुरू करने में तुरंत इन्वेस्ट ना करें, किसी जानकार की सलाह ले लें। और अब बात आज के तीर्थ की, आज हम आपको कराने जा रहे हैं दमदम के बालाजी हनुमान मंदिर के दर्शन। ये मंदिर कोलकाता के दमदम इलाके में स्थापित है, ये मंदिर करीब 200 साल पुराना बताया जाता है। इस मंदिर के पास ही शिव जी का एक पुरातन मंदिर है, यहाँ बजरंग बली का स्वरूप बड़ा ही निराला है। यहाँ हनुमान जी भक्तों को देखकर मुस्कुराते हुए प्रतीत होते हैं। मंदिर में हर मंगलवार और शनिवार को भक्तों का तांता लगता है, लोग दूर दूर से बजरंग बली के दर्शन कर अपने कष्टों को दूर करने की प्रार्थना करने आते हैं। तो आप भी घर बैठे कीजिए इस पुरातन दमदम बालाजी हनुमान मंदिर के दर्शन। अब बात अवॉइड ऑफ द डे की, यानी आज आपको क्या नहीं खाना है। आज 6 जनवरी को पौष कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि है, दशमी तिथि में कलम्बी के शाक का सेवन नहीं करना चाहिए। कलम्बी एक पत्तेदार सब्जी है जो कि पानी के स्रोत के पास उगती है। दशमी तिथि आज रात 12:42 तक रहेगी, उसके बाद एकादशी तिथि लग जाएगी जो कि कल रात 12:47 तक रहेगी। एकादशी तिथि में शिम्बी यानी कि सेम की सब्जी का सेवन निषिद्ध है, इसका सेवन करना आपकी संतान के लिए हानिकारक हो सकता है। इस तरह तिथि का समय जानकर आप अपने खाने का शेड्यूल बना सकते हैं। बाकी आप कुछ भी खाइए, पीजिए, मौज कीजिए। और चलते चलते आपको बता दूं कि कल आपका मनोबल बढ़ाने वाली दिशा है उत्तर पश्चिम। और अब
वक्त है आज के टिप ऑफ द डे का। आज शहद लाकर अपने कमरे की नॉर्थ वेस्ट कोने में रखें। सारे दिन आपको खुशियां ही खुशियां हासिल होती रहेंगी। और अपना राशिफल जानने के लिए लॉग ऑन करें www.indiatv.in और मुझसे व्यक्तिगत संपर्क करने के लिए फ़ोन करें 9971000226। भविष्यवाणी में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।